बिहार राज्य से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जिसके बाद से बिहार सरकार को और खासकर वन विभाग को जमकर गालियां पड़ रही है। वन विभाग की पोल खोलते हुए एक वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में जानवर के साथ ऐसा क्रूर कार्य किया जा रहा है जिसको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए जानते हैं उस वीडियो में आखिर क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं thepanchayat.com। वीडियो 1 सितंबर का बताया जा रहा है और वीडियो 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर को वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है किस तरीके से नील गाय को जिंदा दफनाया जा रहा है, लेकिन वहां खड़े लोग किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं, बस मूक दर्शक बने हुए हैं। वीडियो की शुरुआत में जेसीबी चालक गोली लगने से ना मरने वाली नील गाय को जेसीबी की मदद से घसीट कर गड्ढे की ओर लाता है, फिर नील गाय को गड्ढे में गिरा देता है। गड्ढे में गिरी नील गाय के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, यानी कि नील गाय को जिंदा दफनाया जाता है। लोग वीडियो बनाने के सिवाय और कुछ ना कर रहे थे, केवल वहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको भी गुस्सा आएगा, लेकिन वहाँ जमी भीड़ में किसी को भी गुस्सा नहीं आ रहा था। खैर, ये किस्सा बिहार के वैशाली जिले का है। दरअसल ग्रामीणों ने अधिकारियों को बोला था कि उनकी फसल नील गाय और सुअर बर्बाद कर रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ के विधायक ने वन विभाग को नील गाय मारने का ऑर्डर दे दिया। वन विभाग भी तुरंत काम पर लग गई। प्रोफेशनल शूटर्स को भी हायर किया गया। वन विभाग के अनुसार उन्होंने 4 दिनों में 300 नील गाय को मार गिराया है। दरअसल भारत सरकार के एक प्रावधान के मुताबिक नील गाय के सशर्त शिकार करने की इजाजत है। इसके तहत वन संरक्षक महोदय द्वारा नील गायों का शिकार करने का एक आदेश जारी किया जाता है। शिकार करने के बाद नील गाय के मरने की पुष्टि के बाद उनको दफना दिया जाता है, लेकिन बिहार के वैशाली में जिंदा नील गाय को दफना दिया गया। जब ये वीडियो सबके सामने आया तो लोगों ने इसे अमानवीय काम बताते हुए जमकर लताड़ लगाई। आम लोगों के साथ साथ कुछ खास लोग भी लताड़ने में पीछे नहीं रहे। इनमें बॉलीवुड की अभिनेत्री रवीना टंडन और ईशा गुप्ता हैं। रवीना ने ट्वीट कर अपनी भावना व्यक्त की, वहीं ईशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। रवीना अपने ट्वीट में लिखती हैं कि हृदयहीन मानव जो इस निर्णय के पीछे हैं, आशा है कि उन्हें इस कर्म का दोगुना दंड मिलेगा। वहीं ईशा गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि यकीन मानिए, मैं ये बिल्कुल देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हम क्रूरता के खिलाफ आंखें मूंद कर भी नहीं रह सकते, हमें इनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। गौरतलब है कि जानवरों के साथ अमानवीय हरकतें पहले भी हुई हैं। इससे पहले हैदराबाद में एक चौकीदार अपने दुपहिया वाहन के पीछे एक कुत्ते को बांध कर 1 किलोमीटर तक घसीटा था। जानवरों के प्रति सरकार की उदासीनता साफ झलकती है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैमरा नशोक के साथ मैं सौरभ आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।